हमारे टेलीग्राम पर प्रश्न किया हुआ है एक आदर्श सिंह जी हैं मेरठ से। वे लिखते हैं कि हमें अपना वर्ण मालूम नहीं है, वर्ण नहीं पता है। भाई वर्ण को तो पता करिए, जब वर्ण ही नहीं पता है तो फिर आगे कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं? फिर तो आप आरएसएस वाले हिंदू कहे जाएंगे। जो शास्त्र जिसको हिंदू कहते हैं वे हिंदू नहीं माने जाएंगे। आप अपने वंश में अपने ज्ञातियों को ये पूछ करके निश्चित करें कि आपका वर्ण क्या है। ठीक है, हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। इनका प्रश्न है कि ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, और भी कुछ लिखा है ब्रह्म के बारे में। मुख्य रूप से ये यही पूछना चाह रहे हैं कि ब्रह्म किसे कहते हैं। कोश के अनुसार यदि देखें तो ब्रह्म माने हैं वेद, ब्रह्म माने हैं ब्रह्मा, ब्रह्म माने हैं ब्राह्मण, और ब्रह्म माने हैं गायत्री मंत्र, और ब्रह्म उस ईश्वर को भी, भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म की मुख्य रूप से हमारे वेदांत का मुख्य लक्ष्य यही है कि ब्रह्म क्या है ये बतलाना। सर्वप्रथम प्रथम सूत्र में ही ये जिज्ञासा की गई है कि वह ब्रह्म क्या है, तो उसका प्रतिपादन करते हुए भगवान वेदव्यास ने वेदांत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये सर्वप्रथम सूत्र रखा कि वो ब्रह्म क्या है। ऐसी जिज्ञासा होने पर उसका समाधान है, वो तो बड़े विद्वतापूर्ण और विद्वत भोग्य है। हर व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता है, वो तो बहुत समय तक जन्म नाम बहु नाम अंते अथवा जब बहुकाल करिय सत्संगा तबई होय सब संशय भंगा, ये गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं। श्रीमद् भागवत के देखिएगा, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में और 11वें श्लोक में ब्रह्म की परिभाषा की गई है। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के वक्तव्य में और उनके ग्रंथों में स्थल स्थल पर इस श्लोक को, उक्ति को देखा जा सकता है। स्वामी जी इसको बहुत बोला करते थे। देखिए क्या कह रहे हैं कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तत्त्वविदः तत्त्वविदं वदन्ति, तत्वविद लोग, तत्व को जानने वाले लोग जिसे तत्व कहते हैं और जिसे यज ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है उसे ही अद्वय ज्ञान भी कहा जाता है, उसे तत्व भी, तत्वज्ञ लोग उसे तत्व कहते हैं। अब उसे ही ब्रह्म इति, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। परमात्मेति, और उसी का नाम परमात्मा है। भगवानिति शब्द्यते, और उसी को भगवान कहते हैं। तो उसके नाम रूप अनेक हैं, अनंत हैं, कोई उन्हें भगवान कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई ब्रह्म कहे, कोई तत्व कहे, वे ही नाना रूपों में अवतीर्ण होकर के विभिन्न चरित्रों को संपादित करते हैं। वेदांती लोग उन्हें ब्रह्म कहते हैं, भक्त लोग उन्हें भगवान कहते हैं। वे एक ही हैं, उनके नाम रूप भिन्न भिन्न हैं। ये समझ करके हमको और उन्हीं में दृढ़ आस्था जमानी चाहिए, और उन्हीं में जैसे भी हो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए
भगवद आस्था को रखना चाहिए, भगवान में दृढ़ प्रेम अनुराग उत्तर उत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होता रहे और सदैव उनका चिंतन बना रहे, उनकी आज्ञा रूप वर्णाश्रम धर्म का सदा पालन होता रहे। यही समस्त शास्त्रों में ऋषि महर्षियों के द्वारा हम सबके लिए निर्दिष्ट किया गया है। तो हम सब लोग उन्हीं का ध्यान करें, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही भगवान हैं। हर हर महादेव।